हाय गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ एनिमो सेवा यात्रा, जिसमें हम रिमोट एरियाज़ में गए थे, वहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप्स कंडक्ट किए थे एंड लोगों को फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड की गई थी। सो ऑन दिस डे टू, सबसे पहले तो हम कैंप लगाने गए एट अराउंड 10:30 एंड आज हमारा कैंप की लोकेशन थी बाणगंगा। सो हमने कैंप लगाया फ्रॉम 10:30 टू 2 एंड जिसमें बहुत सारे लोग आए। आज के दिन हमारे पास 100 से ज़्यादा लोग आए थे। हमने उन सबका ब्लड प्रेशर मेजर किया, देखा कितने हाइपरटेंसिव है, उनको रेफर किया। सो कैंप खत्म होने के बाद आंटी ने हमारे लिए बनाई चाय, जिसको पी के हम सब ने बाहर निकल के अपनी ग्रुप फोटोज़ खींची इस दिन की, और वो मैं आपको अभी शेयर करके दिखाती हूँ। इससे पहले आप यहाँ का अमेजिंग वेदर देखो जहाँ पे हमने कैंप लगाया था। सामने ही माता वैष्णो देवी भी है एंड मैं तो खुद को बहुत लकी कंसिडर कर रही थी कि हमें कटरा आने का मौका मिला कैंप लगाने के लिए। इसी बहाने हमने यहाँ पे मंदिर वगैरह भी घूम लिए। हम फ्री हो गए थे अराउंड 2 बजे, तो उसके बाद हमने सोचा कि कहीं घूमने चलते हैं, बट अचानक से बारिश पड़ना शुरू हो गई एंड फिर भी थॉट कि शायद से अब नहीं हो पाएगा, आज कहीं नहीं जाना होगा, तो हमने यहीं पर चाय मंगवा ली। एंड गेस व्हाट, एक ही घंटे में पूरी बारिश रुक गई एंड मौसम एकदम अच्छा सा हो गया फिर से, तो हम फिर से प्लान करने लगे कि कहीं घूमने चलते हैं अब। तो हमने प्लान बनाया 9 देवियाँ जाने का, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर था। सो गाइस अभी तक तो आई हैड लॉट्स ऑफ फन। देखो यहाँ का व्यू भी कितना अच्छा हो रखा है। देख अभी 5 मिनट पहले बारिश पड़ रही थी एंड अब देखो द स्काई इज क्लियर। अब हम जाएंगे 9 देवियाँ, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, 10 किलोमीटर। वो आई नो दैट्स नॉट काफ़ी दूर, बट यस हम वहाँ जाएंगे एंड हम आज थोड़ा सा फन करेंगे बिकॉज आज हमारा लास्ट डे है कैंप का एंड कल भी एक और दिन है, बट हमारा आज सेकंड लास्ट डे, कल वी हैव टू गो वापस। ये हमारी गाड़ी आ गई हमें लेने के लिए एंड 9 देवियाँ पहुँच के हमने दर्शन किए वहाँ पे एंड उस पकोड़े को हम गुजराती में भजिया कहते हैं वैसे एंड उसके बाद हम पहुंच गए डोमिनोज। सो मैं बाहर घूमने आऊँ एंड मैं बीमार ना हूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ तक पहुँचते मेरे को फील होने लग गया था कि कुछ तो हो रहा है एंड इवेंचुअली मेरे को फीवर हो ही गया, तो मैंने पैरासीटामोल ली। लेकिन मैं खेलने भी लगी थोड़ा सा, मैंने सोचा अगर बीमार हूँ भी तो फन करना तो बनता है ना, क्योंकि कल ठीक हो जाएंगे, बट आज लास्ट डे है सो कर लेते हैं। एट अराउंड 2 में सोने चली गई थी और सोने से पहले मैंने गागल्स करे एंड दवाई खा ली थी ताकि कल का दिन मेरा ऐसे बर्बाद ना हो जाए बीमारी में। एंड लकीली जब मैं सुबह उठी तो मैं ठीक फील कर रही थी, ज़्यादा बीमार नहीं थी, बस थोड़ा सा फीवर था, उसके लिए मैं पैरासीटामोल ले रही थी तो वो कंट्रोल था। तो मैंने अपना बेड साफ करा एंड दैट वाज ऑल फॉर डे 2, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन डे 3। सो कमिंग टू दिस डे 3, कैंप की टाइमिंग हमारी सेम थी, दैट वॉज 10:30 एंड आज के दिन हमें जाना था एक स्कूल में कैंप लगाने। सो स्कूल में बेसिकली हमने जितनी भी लड़कियां थी उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताया, हैंड हाइजीन के बारे में बताया बच्चों को। आने से पहले इधर उधर टच करते हैं ना, जो गंदगी लगी होती है हाथ में वो आपके मुँह के द्वारा आपके पेट में चली जाएगी, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो हाथ धोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाथ धोना, आपके नाखून कटे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। हाथ धोने के बेसिकली 7 मेजर स्टेप्स होते हैं, ठीक है? आपको पहला क्या करना है, सर जैसा करे वैसा आप करो। काम खत्म करके हम सब बहुत थक गए थे क्योंकि रात को सारे बहुत लेट सोए थे, तो सब सो गए थे वापस आके एंड जब हम उठे तो चाय पीने के बाद शाम को वापसी का टाइम आ गया था। एट अराउंड 7 बजे हम कटरा से निकले थे एंड मैं सच बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं था यहाँ से जाने का। मैं बस सोचती थी कि काश 5 दिन होता ना तो ज़्यादा मज़ा आ जाता, वैष्णो देवी भी घूम आते एंड ये सब लोग मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत अच्छे लोग थे सारे के सारे,
थैंक गॉड मैं ने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया था डोडा जाने का, जो कि मैं रास्ते में करने वाली थी। एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरे को इन सब से मिलने का मौका मिला। सो ये हम सारे अब त्रिकुटा यात्री निवास पहुंच गए हैं, जहां पे ये सब जम्मू में स्टे कर रहे थे। एंड जम्मू पहुंच के हम इनको ले गए कुछ खिलवाने। एंड ये हमारे सुजल सर, आदित्य जी, महफूज सर एंड मधुर और उज्जवल। हाय गाइस, सो वी आर बैक फ्रॉम द कैंप एंड आज हमारा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बच्चे एनएमओ गए थे उनके लिए। सो आई एम रेडी फॉर दैट, और वो मेरे ही कॉलेज के ऑडिटोरियम में होना है। सो जो लोग हमारे साथ थे, मैं उनको ऐसा घुमा वुमा भी दूंगी थोड़ा सा अपना कॉलेज। एंड वी आर बैक टू लाइफ। अरे भाई, तुम लोगों को पता है इसका नतीजा क्या है? मौत है, मौत, मौत है, मौत। अरे यार, इधर से बात करना ही बेकार है। बाय 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 बाय, हैप्पी बर्थडे, सेफ बर्थडे। सर सर बाय। हाँ हाँ, मुझे बाय। अभी ना जाओ छोड़ के, एक बार तो पलटो।